हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग इस क्लास में हिंदी का क्लास कर रहे थे, क्रैश कोर्स चल रहा था, तो क्रैश कोर्स का थर्ड क्लास विपरीतार्थक शब्द आ चुका है। इसके पहले दो क्लास हुआ है, जिसमें पहला क्लास है पर्यायवाची का, दूसरा क्लास है संधि का, और तीसरा क्लास हमारा आज होने वाली है विपरीतार्थक शब्द का। तो इसका क्लास शुरू करते हैं, देख लीजिए विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। विपरीतार्थक शब्द किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं रात का दिन, रात शब्द का जो अर्थ है दिन शब्द उसका ठीक विपरीत अर्थ दे रहा है, देता है। तो चलिए, यहां पर आपको बहुत सारा विपरीतार्थक शब्द मिलेगा, जिसका पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। इसमें आपका 100 से 150 उल्टा शब्द दिया गया है, जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लेना इस पीडीएफ को। बाकी आज हम लोग विपरीतार्थक शब्द का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, प्रैक्टिस लगा लेते हैं। देख लीजिए, बहुत सारा आपको विपरीतार्थक शब्द मिलेगा, देख लीजिए, और इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री। सब व्हाट्सएप ग्रुप खाली ज्वाइन करके रखिए, देखिए बहुत सारा मिलेगा विपरीतार्थक शब्द आपको, बहुत सारा, बहुत सारा मिलेगा। 150-200 इसमें विपरीतार्थक शब्द दिया गया है, देख लीजिए, बहुत सारा है, बहुत सारा है भाई, बहुत सारा है। तो हम लोगों का मकसद है प्रैक्टिस लगा लेते हैं थोड़ा इसका। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं विपरीतार्थक शब्द का, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 95 70 64 25 12, इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स भी ले लीजिएगा, 99 रुपया लग रहा है अभी, और वहां धमाका ऑफर चल रहा है, नोट्स ले लीजिएगा जो लोग नहीं लिए हैं। अगर नोट्स नहीं लेंगे तो शायद आपको पीडीएफ रेगुलर क्लास वाला नहीं मिलेगा, तो नोट्स ले लीजिए 99 रुपए में। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गेसिंग क्वेश्चन है 1500, और थ्योरी भी रहेगा साथ में आपको। तो जो लोग नहीं लिए हैं व्हाट्सएप करके नोट्स को खरीद लीजिए, सभी विषय मिलेंगे आपको, ऑल सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं। अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है, अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने 4, पूर्णिमा, कालिमा, श्वेतमा, सर्वग्रास, बताइए सही जवाब हो जाएगा पूर्णिमा, ऑप्शन ए पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए उपकार का विपरीतार्थक शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपकार, याद रखिएगा अपकार। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर की ओर बढ़ने से पहले बता दें महाधमाका ऑफर चल रही है, 100% सफलता की गारंटी, बिहार का नंबर 1 सिलेक्शन गारंटी लेने वाला, यहां से पूरा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सबका सिलेक्शन वाला बैच मिल चुका है, सबका सिलेक्शन होगा। अगर आप भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं इस वर्ष, तो मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। इसमें आपको 1500+ गेसिंग क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में हमारे गेसिंग क्वेश्चन से ही 80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 70 से 80% क्वेश्चन हमारे गेसिंग से रहेगा। उसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, और क्लास पीडीएफ तो मिलेगा ही व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं जल्दी से खरीदिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 99 रुपए में, देरी मत करिए, अभी व्हाट्सएप करिए, नोट्स खरीदिए। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद लीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभ का विलोम है, बताइए सभ्य का विलोम है, थर्ड नंबर प्रश्न है, सभ्य का विलोम है, सही जवाब हो जाएगा कुसब, कुसब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं। मैंने ऊपर ही बताया किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं विपरीतार्थक, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग, 5 नंबर है, अथ का विलोम है, अथ का विलोम शब्द है, बताइए अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए इति। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं 95 70 64 25 12, फिर से बोले, इस पर व्हाट्सअप करिए, 99 रुपया पेमेंट करिए, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, पेमेंट करवाकर नोट्स खरीद लीजिए, आपकी सफलता हमारी पहचान है, आपकी सफलता की 100% गारंटी है। तो ले लीजिए नोट्स जो नहीं लिए हैं। अमर का विलोम शब्द है, बताइए अमर का विलोम शब्द है,
अमर का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा मृत्यु, मृत्यु अमर मतलब मृत्यु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, अर्थ का विलोम शब्द है, अर्थ कहते हैं ना अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द है, सही जवाब ऑप्शन सी अनर्थ, अर्थ मतलब अनर्थ, अर्थ हो गया अनर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 नंबर, 8 नंबर है अनाथ का विलोम शब्द है, अनाथ का विलोम शब्द है क्या होगा बताइए जल्दी से, सही जवाब ऑप्शन डी सनाथ, अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ, अनाथ का हो जाएगा सनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अल्पग का विलोम शब्द है, अल्पग का विलोम शब्द है बताइए, अल्पग का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा बहुज्ञ। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, अधिक का विलोम शब्द है, जल्दी जल्दी अधिक का विलोम शब्द है, और जितना भी करवा रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चन है इसका पीडीएफ पूरा थियोरी वाला व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा, सभी लोग जुड़ जाएंगे। अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा बताइए, अधिक हो जाएगा न्यून, न्यून मन कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अचल का विलोम शब्द है, अचल, अचल का विलोम शब्द है, अचल का विलोम शब्द हो जाएगा चल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द है बताइए, अनुराग का विलोम शब्द है विराग, याद रखिएगा अनुराग का विराग। चलिए अनुकूल का विलोम शब्द है, अनुकूल का विलोम शब्द है बताइए, सही जवाब हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। चलिए 15 नंबर प्रश्न है अंधेरा का विलोम शब्द हो जाएगा, अंधेरा का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला, उजाला याद रखिएगा उजाला प्रकाश ये सब हो जाएगा अंधेरा का। चलिए आगत का विलोम शब्द है, जल्दी जल्दी करेंगे, आगत का विलोम शब्द है, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा बिल्कुल फ्री में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा इसका। चलिए बताइए आगत का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनागत, याद रखिएगा आगत का अनागत। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आय का विलोम शब्द है, आय का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा व्यय, आय का हो जाएगा व्यय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 18 नंबर, आदर्श का विलोम शब्द है, आदर्श का विलोम शब्द है, सही जवाब ऑप्शन बी यथार्थ, यथार्थ आदर्श का विलोम शब्द हो जाएगा यथार्थ। आदि का विलोम शब्द है बताइए, आदि का विलोम शब्द है, 19 नंबर है आदि, आदि का हो जाएगा अंत, आदि का अंत, आदि का हो जाएगा अंत विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द विपरीतार्थक शब्द। उष्ण का विलोम शब्द है बताइए, उष्ण का विलोम शब्द है, उष्ण का विलोम शब्द है बताइए बाबू, कलर चेंज कर ले क्या लाल, चलिए उष्ण का विलोम शब्द है जल्दी से, उष्ण का विलोम शब्द क्या है बताइए, कौन सा कलर ले लिया यार, यही ठीक है, उष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी शीतल, उष्ण मतलब शीतल। चलिए आकाश का विलोम शब्द है, आकाश का उल्टा हो जाएगा हमारा, आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा पाताल। चलिए नेक्स्ट है 22, उच्च का विलोम शब्द है, उच्च का विलोम शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीच, उच्च का विलोम शब्द हो जाएगा नीच, उच्च का हो जाएगा नीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23, अवनति का विलोम शब्द है, अवनति का विलोम शब्द है, अवनति का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नति, याद रखिएगा अवनति का उन्नति। चलिए 24 है नरक का विलोम शब्द है, नरक का विलोम शब्द है 24, ऑप्शन ए हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन ए अंधकार नरक का। उपस्थिति का विलोम शब्द है, उपस्थिति का विलोम शब्द है, सही जवाब ऑप्शन डी अनुपस्थिति, उपस्थिति का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपस्थिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एक का विलोम शब्द है बताइए, एक का विलोम शब्द है, एक का विलोम शब्द है, एक का हो जाएगा अनेक, एक का अनेक। चलिए नेक्स्ट 27 है कठिन का विलोम शब्द है बताइए, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ, चलिए जल्दी से, और जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पे व्हाट्सएप करके। चलिए 95 70 64 25 12 कठिन का विलोम शब्द है, सही जवाब ऑप्शन डी सरल। गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप है तो सभी बहना जुड़ सकती हैं, गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। घृणा का विलोम शब्द है, घृणा का विलोम शब्द है प्रेम, घृणा का प्रेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आदर का विपरीतार्थक शब्द है, आदर का हो जाएगा अनादर, आदर का निरादर, सॉरी आदर का निरादर। विरक्त का विपरीतार्थक शब्द है, विरक्त का सही जवाब क्या हो जाएगा, विरक्त का अनुरक्त यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कृषि के लिए अतिवृष्टि भी उतनी ही हानिप्रद है जितनी
अनावृष्टि, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी हो जाएगा अनावृष्टि। चलिए 33, 32 क्या है समझिएगा, 32 है संसार में कोई उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ता है तो कोई, संसार में कोई उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ता है तो कोई अपकर्ष की गर्त में गिरता है। चलिए नेक्स्ट, संधि का विपरीतार्थक शब्द है, संधि का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए संधि का सही हो जाएगा परिधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 है वरदान का विपरीतार्थक, वरदान का विपरीतार्थक क्या होगा बताइए, वरदान, वरदान का हो जाएगा अभिशाप। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम जाओ अपनी जिंदगी जी लो, जिसके साथ जीना चाहते हो जी लो। चलिए नेक्स्ट है 34 हो चुका था, 35 है अपमान का विपरीतार्थक शब्द है, अपमान का विपरीतार्थक शब्द है, अपमान मेरा करके अच्छा नहीं किया, अपमान का सम्मान। चलिए नेक्स्ट है चंचल का विपरीतार्थक शब्द है, चंचल, चंचल का हो जाएगा स्थिर, स्थिर, चंचल मतलब बहुत तेज होता है तो तेज मतलब स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ। चलिए चंचल का स्थिर हो जाएगा। हम लोगों ने इसका 36 मोस्ट VVI ऑब्जेक्शन कर लिया है, बाकी इसके अलावा भी आपको विपरीतार्थक का 150 से 200 विपरीतार्थक उल्टा शब्द मिल जाएगा पैरामेडिकल के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। बस आपको एक काम करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर दिया गया है, देखिए उल्टा शब्द कितना सारा है, देखो ना भाई, देखते रह जाओगे, इतना सारा है यहाँ पे, तो बहुत सारा दे दिया है मैंने, आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस सेट लगा लिया हम लोग। तो हमारा हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 समाप्त हो गया है, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का 3 पाठ क्रैश कोर्स खत्म कर दिया है, सभी विषय का क्रैश कोर्स चालू है। आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी का सिलेक्शन इस वर्ष करवाना है, पूरे बिहार में इसको फैलाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।